कृषि कानून के खिलाफ एक तरफ राकेश टिकैत विपक्ष का एजेंडा चला रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी सियासत करने में पीछे नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में टिकैत और कांग्रेस का खेल खत्म कर दिया है। मोदी का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल गेहूं समेत 6 फसलों के MSP में वृद्धि कर मोदी ने टिकैत और आंदोलनकारियों को करारा जवाब दिया है। लेकिन दर्द कांग्रेस को भी हुआ है। पीएम मोदी के इस फैसले के बाद कांग्रेस को भी डर सताने लगा है कि अगर सरकार ऐसे ही किसानों के हक में काम करती रही तो 9 महीनों से जारी इस आंदोलन की हवा निकल जाएगी। ऐसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि MSP में वृद्धि किसानों के साथ एक मजाक जैसा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये वृद्धि उपज की लागत में वृद्धि की तुलना में कुछ भी नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि गन्ने के MSP में केवल 1.75% की वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं के MSP में केवल 1.75% की वृद्धि की गई है। केवल 2% और अन्य आइटम 10% से कम है। उन्होंने कहा कि डीजल, कीटनाशकों और फर्टिलाइजर और अन्य वस्तुओं के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। इससे पहले राकेश टिकैत ने भी मोदी के इस फैसले को मजाक बताया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रबी के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के साथ मजाक है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने आरोप लगाया है कि 12 सालों के अंदर उन्होंने MSP में सबसे कम वृद्धि देखी है। कांग्रेस ने MSP पर राजनीति शुरू कर अपने मंसूबे साफ जाहिर कर दिए हैं। कांग्रेस किसान आंदोलन को UP विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है, इसलिए कांग्रेस समेत विपक्षी दल चाहते ही नहीं है कि ये आंदोलन खत्म हो। MSP पर कांग्रेस की राजनीति साफ दर्शा रही है कि वो किसानों को मोदी सरकार के प्रति भड़काने में जुटी है। कुल मिलाकर देखें तो रणदीप सुरजेवाला और राकेश टिकैत की एक ही भाषा है। मोदी के इस फैसले से टिकैत और सुरजेवाला दोनों को मिर्ची लगी है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों को तोहफा देने की कोशिश की, रबी फसलों का MSP बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र ने गेहूं, बार्ले, चना, मसूर, सरसों और सनफ्लावर का MSP बढ़ा दिया है। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद किसानों को गेहूं और सरसों पर उपज की लागत का दोगुना रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये ना किसान नेता राकेश टिकैत को पसंद आ रहा है और ना ही कांग्रेस को, क्योंकि दोनों को MSP और कृषि बिल पर राजनीति करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH News। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।